Hey everyone, welcome back to the channel Puja Narang's Physics Classes. Today, you have a new video, and this video is about PhD admissions. These PhD admissions are a great opportunity for those who are trying to get admissions in PhD. So, this is a great opportunity for non-net qualified students also. बिफोर दैट आई वुड लाइक कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही और जानकारी ऐसी ही और इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाती रहूं और टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जिससे आपका बेनिफिट हो और भी मटेरियल हमारे चैनल पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं और ये जो एडमिशन हैं इसके लिए आपको जो पी चाहिए उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप लिंक पे क्लियर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप उस पीडीएफ तक पहुंच जाएंगे सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट एडमिशन टू पी एच डी प्रोग्राम टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव विंटर सेशन और जो एडमिशन हैं वो रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप भी आपको मिलेगी सी एस आई आर नेट क्वालिफाई किया होना कम्पल्सरी नहीं है उसके बगैर भी आपका एडमिशन हो सकता है बट कंडीशन इज आपको क्वालिफाई करना होगा एंट्रेंस एग्जाम तो ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने पर और इंटरव्यू देने पर आपको एडमिशन इजीली मिल जाएगा इम्पोर्टेंट डेट्स भी मैंने कर दी हैं उससे पहले बता दूं कि जो एडमिशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी वहां ये पी के फॉर्म ओपन हुए हैं वैकेंसी है तो चलिए जान लेते हैं इसकी कम्प्लीट डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो कि देखना बहुत जरूरी होता है और बाकी की डिटेल्स आपको वहीं पता चलेंगी नाउ लेट्स गो टू नोटिफिकेशन सो फ्रेंड्स एज यू कैन सी मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है इंस्टीट्यूट चाहे इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी पर बेस्ड है बट स्टिल एडमिशन जो है बाकी के सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एमटेक इन सब में भी अवेलेबल है तो चलिए करते हैं स्टार्ट एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द ईयर 2024-25 विंटर सेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इट्स पीएचडी प्रोग्राम ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और साथ में देखिए सब्जेक्ट बताए गए हैं जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स एम टेक एम बी बी एस एम फार्मा इंटीग्रेटेड एम एस सीलिफिकेशन एस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो सकती है सर्टिफिकेट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिफ्टी फाइव परसेंट एग्रीगेट स्कोर है इक्वेलेंट ग्रेड है मास्टर्स में ये असेंशियल है फॉर द जनरल कैटेगरी 5% रिलैक्सेशन मिलेगी इन सीनियर सेकेंडरी बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरीज लाइक ओबीसी एनसीएल एससी एसटी पीडब्ल्यू एंड ईडब्ल्यूएस राउंडिंग ऑफ टू द परसेंटेज स्कोर टू द नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू इज नॉट परमिटेड लाइक अगर आपके 59.5% हैं

इस टाइम पे भी मीन्स उनकी डिग्री जो है वो चल रही है वो अप्लाई कर सकते हैं पर कंडीशन ये है कि उनके जो कोर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो जनवरी 2025 तक कंप्लीट हो जाए रिजर्वेशन भी सीट्स का है देखिए रिजर्वेशन दिया गया है फिफ्टी परसेंट है एस के लिए सेवन पॉइंट फाइव परसेंट एस के लिए ट्वेंटी ओबीसी एनसीएल के लिए 5 परसेंट फॉर पर्सन विद द डिसबिलिटी रिजर्वेशन फॉर एडब्ल्यू

NII के मल्टीपल सेंटर्स में होगा ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यूज इसके बाद लिस्ट आएगी शॉर्टलिस्ट की हुई इंटरव्यूज के लिए जो कि 10th नवंबर 2024 को आ जाएगी और इसके बाद रहेंगे इंटरव्यूज 26th नवंबर 2024 से 3rd दिसंबर 2024 तक कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी एनरोल्ड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम ऑफ NII इन द एफिलियन विदयूली तो जे एन यू के एफिलियन के साथ की बात तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप देता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमोलॉजी थर्टी सेवन थाउजेंड रुपीज पर मंथ टू दिलेक्टेड कैंडिडेट अवार्डीज ऑफ द फेलोशिप फ्रॉम सी एस आई आर यूजीसी आई सी एम आर डीबीटी DST में अवेल दम एज पर द रूल्स ऑफ फंडिंग एजेंसी तो जो लोग इन जिनका सी एस आई आर यूजीसी आई एस एम आर डीबीटी क्लियर नहीं है वो लोग इनको क्या कर सकते हैं अवेल कर सकते हैं एन आई आई की इंस्टीट्यूट की फेलोशिप को जिन सबका एडमिशन होता है एप्लीकेशन प्रोसीजर देखिए यहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है ये लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जो है ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज है जनरल ओबीसी

ईमेल आपको आईडी दी हुई है नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ द बर्थ डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी टेंथ क्लास की डीएमसी से मैच करनी चाहिए कैंडिडेट्स को एंश्योर करना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन जो भी वो फिल करते हैं वो सही होनी चाहिए ट्रू होनी चाहिए करेक्ट होनी चाहिए की डेट्स यहाँ पर आ जाती हैं देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है थर्ड सेप्टेम्बर टू ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग है ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर एडमिट कार्ड सेवेंथ अक्टूबर को आ जाएंगे एंड एंट्रेंस एग्जाम रहेगा ट्वेंटी सेवेंथ अक्टूबर संडे को एंट्रेंस रिजल्ट आएंगे टेंथ नवंबर ऑनलाइन इंटरव्यू रहेंगे ट्वेंटी सिक्स नवंबर टू थर्ड दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर कैंडिडेट्स आर एंकरेज टू अप्लाई अगर हिंदी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आती है तो इंग्लिश लैंग्वेज में जा सकते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन गिवन है कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट रहता है इंग्लिश में कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट हिंदी में आपको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा मौका है आई थिंक अप्लाई कर लेना चाहिए जिन लोगों के पास नेट नहीं है जी नहीं है गेट आगे आएगा तो अगर और वो चाहते हैं कि अभी PhD में एडमिशन हो जाए विथ फेलोशिप देन दे शुड अप्लाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा लिंक्स जो नीचे शेयर करती हूँ उनसे वीडियो की पी आप ले सकते हैं थैंक यू सो मच